क्या आप सेक्स करने के बाद में बीमार हो जाते हो? उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक व्यक्ति 300 में से ये बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। ये अलग अलग स्टडीज के अलग अलग आंकड़े हैं, मगर एक स्टडी बताता है कि 300 में से एक व्यक्ति को यह बीमारी होती है। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम, POIS। इसका मतलब यह है कि सेक्स करने के बाद में बीमार गिरना, सेक्स करने के बाद में बीमार गिरने की बीमारी 300 में से एक व्यक्ति को होती है, ऐसा अलग अलग स्टडीज में पाया गया है। और ये दोनों को भी हो सकती है, मतलब लेडी को भी हो सकती है और जेंट्स को भी हो सकती है, स्त्री या पुरुष, मगर पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो होता है कि उसको बहुत थकान आती है सेक्स करने के बाद में, बहुत कमज़ोर महसूस करता है, सिर दर्द होता है, हल्का सा बुखार आता है, मूड ठीक नहीं होता, डिप्रेस लगता है, याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, लक्ष्य एकाग्र नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, कुछ लोगों का नाक बंद हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों को गले में खराशी आती है, कुछ लोगों को आंखें लाल हो जाती है। ये जो लक्षण है ये यूजुअली सेक्स करने के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं या 2 से 7 दिन में शुरू हो जाते हैं, मतलब सेक्स के 2 से 7 दिन में शुरू हो सकते हैं। और फिर नेचुरली ये ठीक हो जाता है, तो उसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये क्यों होता है, कारण क्या है, नक्की का पक्का कारण मालूम नहीं है। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन है ये, सीमेन में जो सब्सटेंस है उसको एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है, और वो जो रिएक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है जो सीमेन में कंटेंट है उसको, और वहाँ से वो होता है और तकलीफ होती रहती है। दूसरा जो कारण बताया गया है वो एक केमिकल लोचा, जैसे इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स इन द ब्रेन, ब्रेन के जो हार्मोन्स है इसमें इम्बैलेंस होता है, केमिकल इम्बैलेंस, और इससे वो हो सकता है। तब इसके लिए करना क्या है, एक तो क्या वो देखना पड़ेगा कि क्या दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है बचपन से कि सेक्स गलत है, सेक्स बुरा है, सेक्स करना अच्छा नहीं है, फिर सेक्स 2 बच्चे चाहिए तो 2 बार करना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ मिसकंसेप्ट जो है वो दूर करना जरूरी है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मास्टरबेशन किया मैंने बहुत सारा और उसकी वजह से मैंने बहुत गलत काम किया, गिल्टी लग रहा है, और एक सेक्स के प्रति बहुत गिल्ट है, तो उससे हो सकता है। कारण कुछ भी हो, आपको क्या करना होगा यदि आपको बीमारी है तो, कि सेक्स प्लान करना होगा। जैसा छुट्टी का दिन है कल का, तो सैटरडे नाइट सेक्स करना है, मालूम है आपको कि 2 दिन छुट्टियां हैं तब सेक्स करना है, और बाद में एंटी एलर्जिक दवाई खाना या नींद अच्छी होने के लिए दवाई खाना बाद में, या दर्द करता है, सर दर्द, बदन दर्द है, तो उसके लिए दवाई लेना जरूरी है, अदरवाइज उसको लेने की जरूरत नहीं है कोई दवाई को, नेचुरली ये बीमारी ठीक हो जाती है। मगर डेफिनेटली ये तकलीफ होने से लोग टालते रहते हैं सेक्स, आगे ढक लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, फिर सेक्स करने के बाद में बहुत ही जान निकल जाती है, बहुत थकान आती है, फिर तो मैं करता ही नहीं, और लोग टालना चालू करते हैं। इसमें फिर पत्नी को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, झगड़ा, झंझट, चिड़चिड़ापन ऐसा आ जाता है, तो इसका इलाज करना जरूरी है। इलाज यदि करेंगे साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल दोनों इलाज, तो डेफिनेटली पति पत्नी के जीवन में आनंद आएगा और एक अच्छा सेक्सुअल लाइफ वो जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।